हमारा आज का टॉपिक है सीआरपीसी सेक्शन 366 से लेके 371 तक, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। अब डेथ सेंटेंस का कंफर्म करवाना, ठीक है। डेथ सेंटेंस कहाँ से कंफर्म होगा, तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। अब जो भी सेशन कोर्ट अगर किसी को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाती है तो उसको कंफर्म करना नेसेसरी है, उसका जो ऑर्डर होगा वो सबमिट करना होगा। अब कहाँ करना होगा वो जानते हैं क्लॉज वन में। व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेस अ सेंटेंस ऑफ डेथ द प्रोसीडिंग्स शैल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट एंड द सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी सेशन कोर्ट है अगर वो किसी को डेथ सेंटेंस सुनाती है यानी सजाए मौत सुनाती है तो वो जो ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं सॉरी जजमेंट जो है जो भी, उसको हाई कोर्ट कन्फर्म करेगा, वो उसको सबमिट करना पड़ेगा सेशन कोर्ट को। किसके पास? हाई कोर्ट के पास। अगर हाई कोर्ट कन्फर्म करता है तभी वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि तभी उसको माना जाएगा। अगर हाई कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं करता, अगर हाई कोर्ट कन्फर्म नहीं करता है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता जब तक हाई कोर्ट कन्फर्म नहीं करेगा। सीधा सा बात है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन किसी को सजाए मौत सुनाता है तो उसको कन्फर्म हाई कोर्ट करेगा, अगर हाई कोर्ट कन्फर्म नहीं करता तो उसको नहीं माना जाएगा। क्लॉज टू बोलता है द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल कमिट द कन्विक्टेड पर्सन टू जेल कस्टडी अंडर वारंट। जब तक ये प्रोसेस चलेगा जो हमने ऊपर कहा, जब तक कोर्ट कंफर्म करेगा और जिसको सजाए मौत सुनाई गई है उस आदमी को रखा कहाँ जाएगा, तो उस आदमी को जेल में रखा जाएगा। उसके बाद है सीआरपीसी सेक्शन 367, पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। अब इसमें क्या है कि जो पावर है डायरेक्ट करने का, इंक्वायरी के लिए डायरेक्ट करने का और एडिशनल एविडेंस लेने का, अब ये किसके पास है? क्लॉज वन बोलता है इफ व्हेन सच प्रोसीडिंग आर सबमिटेड द हाई कोर्ट थिंक्स दैट अ फर्दर इंक्वायरी शुड बी मेड इनटू और एडिशनल एविडेंस टेकन अपॉन एनी पॉइंट बियरिंग अपॉन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन इट मे मेक सच इंक्वायरी और टेक सच एविडेंस इट सेल्फ और डायरेक्ट इट टू बी मेड और टेकन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अब इसमें कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो कन्फर्मेशन उनके पास आया है, कन्फर्मेशन के लिए आया है डेथ सेंटेंस, उसमें और भी इंक्वायरी होना चाहिए, और भी एविडेंस होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, आदेश दे देंगे फर्दर इंक्वायरी के लिए या फिर एविडेंस लाने के लिए, और भी एविडेंस जमा करने के लिए। अब ये काम वो खुद भी कर सकते हैं या फिर वो सेशन कोर्ट को भी बोल सकते हैं। सेशन कोर्ट को भी बोलेंगे कि तुम और भी इंक्वायरी करो और अच्छे से इंक्वायरी करो और भी एविडेंस जमा करो, या फिर वो खुद के पास भी केस ले सकते हैं कि हम इसका इंक्वायरी करेंगे, हमें और भी एविडेंस चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। टू बोलता है अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन मे बी डिस्पेंस्ड विथ व्हेन सच इंक्वायरी इज मेड और सच एविडेंस इज टेकन। जब ये प्रोसेस चलेगा जो ऊपर है, कन्फर्मेशन का प्रोसेस चलेगा, तब तक वो कन्विक्टेड पर्सन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हाई कोर्ट आदेश दे दे तो फिर होना जरूरी है। लेकिन जब तक हाई कोर्ट नहीं बोलता तब तक उस आदमी का प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम जानते हैं क्लॉज थ्री, व्हेन द इंक्वायरी और एविडेंस इफ एनी इज नॉट मेड और टेकन बाय द हाई कोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इंक्वायरी और एविडेंस शैल बी सर्टिफाइड टू सच कोर्ट। अब अगर हाई कोर्ट डायरेक्ट कर देता है सेशन कोर्ट को कि आप ही फर्दर इंक्वायरी कीजिए और आप ही एविडेंस लीजिए, अगर तो फिर क्या करेगा सेशन कोर्ट इंक्वायरी करेगा, एविडेंस भी करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट होगा, जो एविडेंस लिया गया और इंक्वायरी किया गया उसका रिजल्ट जो होगा वो हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा, सर्टिफाइड टू सच कोर्ट, यानी सच कोर्ट का मतलब है हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा, ठीक है, जो भी इंक्वायरी उन्होंने किया है उसके बाद वो हाई कोर्ट को भेज देंगे फिर से कन्फर्मेशन के लिए। उसके बाद सीआरपीसी सेक्शन 368 बोलता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेंटेंस और एनल कन्विक्शन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट का जो पावर है वो कंफर्म सेंटेंस करने का है, एनल लिखा हुआ है, एनल कन्विक्शन मतलब ख़त्म भी कर सकते हैं, जो ऑर्डर है जो जजमेंट है उसको वॉइड भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। हाँ, उसके आइए आगे पढ़ते हैं, इन केस सबमिटेड अंडर सेक्शन 366 द हाई कोर्ट ए मे कन्फर्म द सेंटेंस और पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ। अब जो भी हाई कोर्ट है उसके पास ये पावर है, या तो वो डेथ सेंटेंस को कन्फर्म कर दे या फिर अलग से सेंटेंस सुना दे, यानी अगर उम्र क्या दे तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल सकते हैं, ये पावर है उनके पास। बी मे एनल द कन्विक्शन एंड कन्विक्ट द एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ विच द कोर्ट ऑफ सेशन माइट हैव कन्विक्टेड हिम और ऑर्डर अ न्यू ट्रायल ऑन द सेम और एन अमेंडेड चार्ज।
और बी में लिखा गया है हाई कोर्ट के पास ऐसा पावर है कि वो जो भी कन्विक्शन है, जो भी सेंटेंस है, उसको नल कर दें, या फिर सेशन कोर्ट को दोबारा से बोल सकते हैं कि आप एक नया ट्रायल चलाइए उसी चार्ज के साथ। ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसी चार्ज के साथ आप फिर से ट्रायल चलाइए, सेशन कोर्ट को कहा जा सकता है। और फिर या तो वो अमेंड कर सकते हैं चार्ज को। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर 302 था, यानी मर्डर का केस था, उसके तहत उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। अब अगर कोर्ट चाहे, यानी हाई कोर्ट चाहे, तो फिर उसको मर्डर चार्ज हटा के उसको कल्पेबल होमिसाइड भी कर सकता है और नया ट्रायल भी चला सकता है, उस चार्ज के साथ भी और नया चार्ज के साथ भी चला सकता है। होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सी, उसके बाद मे एक्यूट द एक्यूज्ड पर्सन, एक्यूट मतलब जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसको छोड़ भी सकते हैं, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। अगर उनको लगता है कि ये आदमी गलत नहीं है, गिल्टी नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे, एक्यूट कर देंगे। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अंटिल द पीरियड अलाउड फॉर प्रीफेयरिंग एंड अपील हैज एक्सपायर्ड और इफ एन अपील इज प्रेजेंटेड विद इन सच पीरियड अंटिल सच अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। इसमें कहा गया है कि ये जो ऊपर हमने पढ़ा, ये तब तक लागू नहीं होगा जब तक उसके पास अपील का समय है, जब तक वो अपील तैयार कर सकता है, जब तक उसके पास टाइम है तब तक ये ऊपर वाला जितना भी पढ़ा हमने कन्फर्मेशन के लिए वो लागू नहीं होगा। ठीक, उसके बाद 369 है, कन्फर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी सीन बाई टू जज। अब जो कन्फर्म है, जो कन्फर्मेशन करने के लिए हाईकोर्ट में दिया गया था, तो हाईकोर्ट के दो जज का साइन लगेगा। हाई कोर्ट के जो दो जज हैं वही साइन करेंगे, या तो डेथ सेंटेंस का कंफर्म करने में साइन हो जाए या फिर सेंटेंस को चेंज करने में, लेकिन दो जज का साइन होना निश्चित है। इन एवरी केस सो सबमिटेड द कन्फर्मेशन ऑफ द सेंटेंस और एनी न्यू सेंटेंस और ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट शैल व्हेन सच कोर्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर जज बी मेड पास्ड एंड सिंग्ड बाय एटलीस्ट टू ऑफ देम। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो भी अगर कन्फर्म करें या फिर न्यू सेंटेंस अगर हाई कोर्ट पास करता है, तो उस ऑर्डर पर कम से कम दो जजेस का साइन होना चाहिए। हाई कोर्ट के दो जज का साइन होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आइए आगे पढ़ते हैं 370, प्रोसीड्यूर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब 370 बोल रहा है कि अगर ओपिनियन अलग अलग हो, दो जज हैं, अब एक जज बोल रहा है ये सही, एक जज बोल रहा है ये गलत है, तो यही बताता है 370। अगर डिफरेंस ओपिनियन हो तो क्या होगा, आइए पढ़ते हैं। Where any such case is heard before a bench of judge and such judge are equally divided in opinion, the case shall be decided in the manner provided by section 392. इसमें कुछ नहीं जानना है, 392 को जानना है कि अगर डिफरेंस ओपिनियन है तो 392 के हिसाब से काम होगा। अब 392 का एक समरी जान लेते हैं कि वो होता क्या है। वो होता है जैसे अब टू जजेस बेंच है तो थ्री जजेस बेंच में चल जाएगा। अब क्या होगा, नहीं तो एक एडिशनल जज को अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे टू जज है उसमें एक दोनों अलग अलग बयान दे रहा है, मतलब अलग अलग दोनों का ओपिनियन है, तो तीसरा आएगा, तीसरा जिसके पक्ष में वोट कर देगा, जिसके पक्ष में बोलेगा, उसको ही फाइनल जजमेंट मान लिया जाएगा। ऐसा 392 में लिखा गया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर काम होगा। ठीक, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा डिफरेंस ओपिनियन में क्या होगा। अब आप पढ़ते हैं 371। 371 बोलता है प्रोसीड्यूर इन केस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कन्फर्मेशन। अब प्रोसीड्यूर क्या है, इन केस सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन टू द हाई कोर्ट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ डेथ द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट शैल विदाउट डिले आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन और अदर ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द हाई कोर्ट सेंड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अंडर द सील ऑफ द हाई कोर्ट एंड अटेस्टेड विथ दिस ऑफिशियल सिग्नेचर टू द कोर्ट ऑफ सेशन। इसमें कुछ नहीं है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी कन्फर्म करने के लिए, जो भी मतलब आया हुआ था कन्फर्मेशन के लिए आया हुआ था हाई कोर्ट के पास, या तो हाई कोर्ट उसको कंफर्म कर दे, या जो भी कोई भी नया सेंटेंस मेड बनाया जाता है, नया सेंटेंस सुनाया जाता है, तो बिना देरी किए हुए जो भी हाई कोर्ट का ऑफिसर होगा वो बिना देरी किए हुए उसको कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देगा। कैसे भेजेगा, अटेस्टेड करके भेजेगा, सिग्नेचर के साथ भेजेगा, हाँ ऑफिशियल सिग्नेचर के साथ भेज देगा, किसके पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, कि ऐसा ऐसा जजमेंट है, या तो कंफर्म कर दिया गया या न्यू सेंटेंस दे दिया गया, जो भी ऊपर किया गया, या फर्दर इंक्वायरी के लिए बोल दिया गया, एडिशनल एविडेंस के लिए बोल दिया गया, जो भी बोला गया वो ऑर्डर कर अटेस्टेड करके ऑफिशियल सिग्नेचर के साथ वो कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देना बिना देरी किए हुए। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जय हिंद।